चाबी नहीं है फिर भी चालू रहती है ये। काले गहरे राज पैसे पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा पूरा दिन इसी बेड पे पड़े पड़े जाता है और आज तुम्हें 8:30 जगा हूँ। पता नहीं कैसे, या तो नींद के नशे तगड़े हो गए होंगे या फिर शाम को दवाई खाई थी और इंजेक्शन लगवाया था उसके नशे होंगे। पैर तो पहले से ठीक है, मतलब इतना ज्यादा भी ठीक नहीं है, ऐसे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, चल लेता हूँ आराम से, बस पैर को बिना मोड़े। आज पापा की ड्यूटी है जो 3 दिन बाद आती है, तो वो तो चले गए और उनको पसंद नहीं मेरा इतना लेट जागना। खैर मुझे भी पसंद नहीं है कि मैं इतना लेट जाऊँ, पर अभी छूट मिली है तो फायदा उठा रहा हूँ। और ये हरीश भैया आए हैं अपनी सुपर बाइक से, जिसकी चाबी इन्होंने कहीं गिरा दी है और अब ये बंद नहीं हो पा रही। कहाँ है यार चाबी, कहूँ गिर गई है रास्ता में, चाबी लेके अपनी बाइक की। ये है इनकी सुपर बाइक जिसकी चाबी गिराया है, इसका चाबी नहीं है फिर भी चालू रहती है ये। चाबी लेके आओ, चाकू लेके आओ, चाबी लेके जल्दी, चाबी है चाकू, चाबी है चाकू, किसे ही बंद हो जाएगी। बाइक की चाबी नहीं है क्योंकि पापा बाइक से ड्यूटी गए, तो चाकू से काम चल जाएगा। वाह बंद हो गई, क्या बात है। मैं आया हूँ यहाँ पे पालक लेने, ये आए हैं यहाँ पर पालक लेने। हरीश भैया तो चल दिए मगर मुझे उतरने चढ़ने में दिक्कत आती है। ओके हमारा सफर यहीं तक था, गोदा मत ले, चलो अंदर तो ना चोट। नहीं सिर्फ खाल और मांस में है, हड्डी में थोड़ी ना। हाँ। मैं चल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बस मोड़ नहीं सकता पैर को। हाँ। टमाटर ओ हो, टमाटर ओ हो, क्या टमाटर है मस्त लाल लाल चट। क्या मतलब इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी, यहाँ से तो खाड़ दिए सारे टमाटर के पौधे। ये पालक है काफी छोटा है लेकिन आपके काम कर जाएगा, आप ले सकते हैं यहाँ से। क्या करेंगे इतने पालक से, पालक पनीर। किस खुशी में, मन कर रहा हूँ, कोई खुशी बात है। तो मैं अभी आपके सामने इनके एक काले गहरे राज पैसे पर्दाफाश करने जा रहा हूँ, और राज इनका काफी काला और गहरा है, तो वो क्या है आप गौर से सुनिए। ये मेरे प्रिय भैया, मेरे प्रिय भ्राता श्री इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं न्यूजीलैंड, इनका न्यूजीलैंड के लिए वर्क वीजा लग गया है। तो पहले तो भैया आपको बहुत बहुत बधाई है, कांग्रेचुलेशन, 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 आप सभी ने कांग्रेचुलेशन बोली है। तो आज 27 तारीख है और 2 मई की इनकी फ्लाइट है दिल्ली से, पहली बार जहाज में बैठेंगे, तो पहली बार ये जहाज में बैठ के उड़ जाएंगे। 2 मई की इनकी फ्लाइट है, यहाँ से चले जाएंगे और हम सोच रहे हैं कि जा रहे हैं तो एक फेयरवेल पार्टी हो जाए। वैसे तो हमें देनी चाहिए इनको फेयरवेल पार्टी, मगर ये अपनी फेयरवेल पार्टी खुद ही रखेंगे, है कि नहीं भैया। हम लोग दोगे, हम कुछ नहीं देंगे, हम लोग दोगे मुझे। तो क्या आप तैयार हैं पार्टी के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मगर ये बिल्कुल तैयार है पार्टी देने के लिए, बात खत्म, आज शाम को पार्टी होगी, दैट्स इट फाइनल। अब आप जाके पालक काट लीजिए, काफ़ी मुश्किल होगी आपको पालक काटने में क्योंकि पालक काफ़ी छोटा छोटा है, वैसे तो आपको छोटे की आदत है लेकिन आप काट लीजिए। एक काट लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, घास वास सब में प्रोटीन है, सब में वाइटामिन है। ये हमारे गुलाब के फूल, इजहार करने के लिए लाल, माफी मांगने के लिए सफेद। तोड़ ली है खावा का, मैंने नहीं तो तोड़ी ना, पेड़ पे गिरी अपने आप, बहुत बड़ा पेड़ है जो अपने आप गिर जाएगी, अपने आप गिरी, यहाँ पर डली है, मैंने कचूला मिला है, जा। ये हमारा आम का पेड़ है जिसपे अमियां लगी हैं, छोटा सा, अरे वाह, अभी छोटा सा पेड़ है और अमियां लगी हैं और एक इन्हें तोड़ ली, शर्म नहीं है ना बिल्कुल भी, दिमाग खराब दो पार्टी, ध्यान रखियो पार्टी पार्टी। फिर मम्मी पूजा करके आती है मेरे घाव को देखने, आज ना नारा कल ना को, और फिर आते हैं ठेस बुद्धि, ठीक ठाक बंदा और पुनिया है, ये आधी अधूरी पट्टी नहीं है, ये मेरी पट्टी, अरे पाल दबा दे, ये आधी अधूरी पट्टी नहीं है, ऐसा था कि पट्टी मेरी खुल गई थी, फिर वो खुल के नीचे खिसक गई थी, तो मैंने, हाँ तो मैंने खोल के ऊपर ऐसे चिपका दी हल्की फुल्की। यार ये घड़ी यार बहुत दिन आते बंदे सेल लिया यार, तू तो बंदे है, मैं तो बंदे ठीक हूँ, ठेस बुद्धि को लड़ने के बस हल्के फुल्के बहाने चाहिए। अरे हमारा पंगा जाइए पट्टी करता हुआ,
और ये पहली बार पट्टी नहीं कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। इसने स्कूल में सीखी थी पट्टी करना। बहुत आते हैं। 49% सुनो। 49.4 फिर मेरे ताऊजी भी आ जाते हैं मुझे देखने ऐसे ही। तू खेच के चौक तो है। फाना सा नॉर्मल तरीका थे। बस ये 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज एक और खुशी की बात ये कि हमारी दीदी का शादी की सालगिरह है एनिवर्सरी। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। जैसा कि आज हमारी दीदी की शादी की सालगिरह है तो आज हमें काटेंगे पैसों से। फिर मैं दोपहर में नींद के नशे करता हूँ जिन्हें उतारने का काम करती है मेरी बहन राखी, जो स्कूल से आई थी और ट्यूशन जा रही थी तो बस मुझे देखने आई थी कुछ इस तरह। पागल तू। फिर मैं शाम को बाहर जाकर देखता हूँ कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। मजा कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा था कि हरेश भैया अलोंग विद द कंटेंट्स अभी तक नहीं आए। और एक इन्फॉर्मेशन लीक करते हुए कहता हूँ कि आज मैं नहाया नहीं हूँ। पैर में चोट की वजह से मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी मेहनत ज्यादा लग जाती है। फिर मैं अपने पैर को घसीटते पसीटते छत पर जाता हूँ। वैसे तो पापा मुझे डांटते हैं छत पर जाने के लिए, मगर मुझे चैन नहीं मिलता तब तक मैं ये प्यार सा सनसेट ना देख लूँ, मतलब सूर्यास्त के दर्शन ना कर लूँ। इट गिव्स मी डिफरेंट वाइब, मतलब एक अलग ही सुकून सा मिलता है मुझे। सूर्यास्त तो हो जाता है मगर सूर्यास्त के बाद की खूबसूरती कुछ ऐसी नजर आती है। राम राम। रुक है शिवांशु। भूख पड़ी है और हम आज ले आया बिन्ने काटे और जी जी ने काट देंगे। आए तो दो दो दिन कटेंगे। एक दिन में दोनों लोगों को काटने से क्या फायदा, अलग अलग दिन काटते ज्यादा मजा आता। दो बार पार्टी मिलती तो बताओ ना फिर आई कौन काटे। कटेंगे तो आज दोनों ही, इतना टाइम भी नहीं है फिर। तो ये आ चुके हैं हमारे हरेश भैया अलोंग विद द कंटेंट्स, मगर ठीक ठाक बंदा नहीं आया। राम राम भैया। ये है हरेश भैया के पिताजी। तो जैसा कि हरेश भैया जाने वाले हैं और 2 तारीख को इनकी फ्लाइट है दिल्ली से, तो बस उसी बात को लेकर डिस्कशन चल रहा है सबके बीच। फिर मेरे पिताजी भी आते हैं और पापा और दोनों ताऊ दावत खाने जा रहे हैं। और एक और मजे की बात बताऊं, ये तीनों भाई इंडियन आर्मी से हैं। वैसे ये सभी 6 भाई हैं और ये तीनों सबसे बड़े हैं। और ये मेरा भांजा नाना नाना करते हुए इनके पीछे पड़ता हुआ। हाँ भैया पार्टी। मुझे तो नहीं लगता कि ये आज हमें पार्टी देंगे। कब होगी पार्टी? पार्टी होगी मगर थोड़ा रुको। हम बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भैया ने आज की पार्टी कैंसिल कर दी। कैंसिल ही पोस्टपोन्ड कर दी, कह रहे कल देंगे। कल का भी नहीं होता। सुनो भैया, कल का मैं यार नोनो भाई पी के बैठा हूं। अब हरेश भैया खुद तो पार्टी दे नहीं रहे मगर ये मेरी दीदी से पार्टी मांग रहे हैं क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है। मगर फिर भी इन्हें पार्टी नहीं मिलती। मगर जब मेरी बहन राखी आती है तो वो जिद करने लग जाती है, कहती है यार छोटी मोटी पार्टी तो होनी चाहिए, इनकी एनिवर्सरी है। तो ठीक है होनी चाहिए तो फिर हो जानी भी चाहिए। अब जोमेटो ने हमारी एरिया में सर्विस बंद कर दी है तो मैं जल्दी से स्विगी से एक केक और छोटी मोटी खाने पीने की चीजें मंगाता हूँ। अब पापा तो घर पे है नहीं, सिर्फ हम लोग हैं और यहाँ पे एनिवर्सरी वाली दीदी आ गई है, तो कृपया इन्हें इज्जत से बिठाइए और जल्दी से सेलिब्रेशन की तैयारी में सभी जुट जाते हैं। और बड़ी शान से फिर सभी जंक फूड का ग्रहण करने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा था मेरा आज का ये बोरिंग सा दिन और इसी कारण ये ब्लॉग भी आज का बोरिंग सा रखा यार। अब इस बोरिंग से ब्लॉग का भी एक कारण है क्योंकि पैर में चोट है तो ज्यादा मूवमेंट कर नहीं पा रहा। और कुछ इतनी बुरी तरह से कट रहे मेरे आजकल दिन। चलती है मुझसे। तो जैसे मेरा पैर ठीक होता है सबसे पहले मैं बनाऊंगा Q&A वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे यार Q&A वीडियो में इतना टाइम कौन लेता है? मैं लेता हूँ। मैं क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैं Q&A वीडियो को थोड़ा सा यूनिक वे में बना रहा हूँ। अच्छा। और Q&A वीडियो के बाद मिलते हैं ऐसी सत्य घटना के साथ। जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं। बाय बाय।